है ना कि मैंने बचपन में लड़कों के साथ क्रिकेट तो खेला पर लड़कियों के साथ बैडमिंटन नहीं खेला, वहाँ मेरे अंदर एक फौजी का खून है तो वो एकदम मुझे गुस्सा आ जाता है। लाइकवाइज, थैंक थिएटर यू। में मूवी रिलीज हो चुकी डॉक्टर जी, काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अभी तक, आपको क्या कुछ रिस्पांस मिला है, कैन यू शेयर विद अस? ऑफकोर्स काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है। वी आर वेरी हैप्पी विद द वे पीपल हैव अप्रिशिएटेड द फिल्म, और उन्हें कॉन्टेंट जो काफ़ी डिफरेंट लगा है, और लोग हंस रहे हैं थिएटर्स में, सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस हैं वो इतने प्यारे हैं, आई कान टेल यू कि दिल खुश हो जाने वाले मैसेजेस हैं। एंड जो वीकेंड पे भी जिस तरह का एक सेंटिमेंट रहा है, दैट्स रियली मेड अस वेरी हैप्पी। लोगों को कैरेक्टर्स पसंद आ रहे हैं, फिल्म पसंद आ रही है, और हमारा जो मेन इंटेंशन था, जो मोटिव था कि एक हंसते खेलते वे में आप एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे कर पाएँ, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर पाएँ, सो वी आर वेरी हैप्पी कि लोगों को वो समझ आ रहा है। बात करें आपके कैरेक्टर की, डॉक्टर फातिमा, क्या कुछ मन में आया था जब स्क्रिप्ट सुनी और उसके बाद इसमें काम करते वक्त डॉक्टर जी क्या कुछ बोलना कहना चाहोगे? सो जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी थी, आई थिंक मिडवे थ्रू द फिल्म, और मैं कई इंटरव्यूज में बोल चुकी हूँ, दिस वाज वन ऑफ दो स्क्रिप्ट्स की इंटरवल पे ही मुझे पता था कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ, बिकॉज ये इतनी वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स ऑन पेपर। क्योंकि कई बार आप इम्प्रोवाइज़ करते हैं जब एक्टर्स ऑन बोर्ड आ जाते हैं, फिर आप शूट पे इम्प्रोवाइज़ करते हैं, बट ये ऑलरेडी इतनी एक बोलते ना कड़क स्क्रिप्ट लग रही थी। सो जब हमने शूट शुरू की, इनफैक्ट आयुष्मान एंड आई स्पोक अबाउट इट कि हम दोनों को ये बहुत सॉलिड स्क्रिप्ट लगी थी, जस्ट बिकॉज एक न्यू टॉपिक है, और इस तरह का टॉपिक गायनोकोलॉजी का पे कभी कोई फिल्म नहीं आई है, एंड इस टॉपिक को ह्यूमरस वे में और इमोशनल वे में कन्वे करना मुश्किल है, बट द वे इट वॉज हैंडल्ड, वो मुझे उसी टाइम पे पता था कि मुझे ये फिल्म करनी है। और डॉक्टर फातिमा का जो भी जो रोल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो बहुत ही शी माइट बी फ्रॉम अ स्मॉलर टाउन, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी से नहीं है, बट शी इज़ वेरी प्रोग्रेसिव, शी इज़ वेरी ऑफकोर्स शी इज़ अ डॉक्टर सो शी इज़ प्रोग्रेसिव, शी इज़ वेरी बोल्ड एंड यू नो स्ट्रॉन्ग इन हर हेड, ओपिनियनेटेड एंड वेरी राइटियस, यू नो। ट्रेलर देखने के बाद ही लोगों को आपका डायलॉग वगैरह काफी पसंद आने लगे थे, कुछ डायलॉग सुनाना चाहेंगे आप? आई थिंक मेरा एक डायलॉग है जहाँ आयुष्मान कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है ना कि मैंने बचपन में लड़कों के साथ क्रिकेट तो खेला पर लड़कियों के साथ बैडमिंटन नहीं खेला, सो आई टेल हिम दैट अगर तुमने बचपन में लड़कियों के साथ बैडमिंटन खेला होता ना तो आज ऐसी बेकार बातें नहीं करते। सो दैट इज़ जस्ट लाइक अ वे टू से कि मे बी डॉक्टर उदय कैरेक्टर डिंट नो वट इज़ राइट और रॉन्ग, बट द सोसाइटी एंड द पेट्रियार्कल सोसाइटी और जो आपकी कंडीशनिंग हो जाती है कि लड़कों को लगता है कि एक तरीके से बिहेव करना है कि वो यू नो, तो अगर तुमने बचपन से लड़कियों के साथ बैडमिंटन खेला होता तो आज ऐसी बातें नहीं करते। जी, अब हमने देखा भी आप काफ़ी रिस्पेक्ट के बारे में बात कर रही थी लड़कियों को लेकर, तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है लड़कियों को रिस्पेक्ट देना, ये तो काफ़ी लोगों को पता है। आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है ऐसा कि आपने किसी को बताया हो कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, रिस्पेक्ट देनी चाहिए लड़की? नहीं, मतलब ऐसे मैं जाके किसी को ये नहीं बोला रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बट हाँ मैंने झाड़ा है अगर कोई कुछ ऊपर नीचे बोलता है, बिकॉज़ वहाँ मेरे अंदर एक फौजी का खून है तो वो एकदम मुझे गुस्सा आ जाता है। और मैंने ऐसे सड़क पे भी, जब मैं बहुत छोटी भी थी, कॉलेज में थी, हम लोग एक ट्रिप पे गए थे एंड समबडी वॉज फॉलोइंग अस एंड टेकिंग फोटोग्राफ्स, एंड आई थिंक आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड एंड वी वर अ ग्रुप ऑफ 6-7 गर्ल्स, तो वो हमारी अपने फ़ोन पे से फ़ोटोज़ ले रहा था, तो किसी ने बोला कि यार ये आदमी हमको फॉलो कर रहा है हिल रोड नैनीताल पे, सो आई जस्ट वेंट, आई सेड क्या फ़ोटो ले रहे हो, मतलब मैं गुंडी, सो क्या फ़ोटो ले रहे हो, तो आई हेल्ड हिज कॉलर, स्नैच्ड हिज फोन एंड ऑल दैट कि तोड़ दूंगी मैं, यू नो। सो आई ऑलवेज फील दैट यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ इफ देर आर सम पीपल हु आर नॉट बिहेविंग द राइट वे, बिकॉज ओनली देन हमारी सोसाइटी एक बैलेंस्ड सोसाइटी हो सकती है, बिकॉज इफ़ यू के नॉट रिस्पेक्ट विमेन who are responsible for bringing life on this planet, then I don't think you are worth respect yourself.